जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हजारीबाग प्रशासन ने, डीसी ने यह आदेश दिया है कि सार्वजनिक स्थलों पे तंबाकू का सेवन बैन हो गया है। मतलब आप पब्लिक प्लेस में अब सिगरेट, गुटखा, खैनी कुछ नहीं खा सकते हैं। पकड़े जाने पे जुर्माना होगा। क्या क्या जुर्माना है आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू सेवन करते पकड़े जाने पर भरना पड़ेगा जुर्माना। बच्चों को अगर बेचा तंबाकू तो होगा 7 साल का जेल और 1 लाख का जुर्माना। मतलब यहाँ दुकानदारों पे है कि अगर वो बच्चों को बेचते हैं तंबाकू तो 7 साल का हो सकता है जेल और 1 लाख तक का जुर्माना दे सकते हैं। उसके बाद कोटपा कानून के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस मिलकर चलाएगा सघन अभियान। शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई। तो दो इसमें अहम चीज़ है, एक तो जो दुकानदार हैं जो बेचते हैं तंबाकू वो बच्चों को नहीं बेच सकते हैं, अगर ऐसे पकड़े जाएंगे तो 7 साल का जेल होगा उन्हें, और दूसरा 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। और दूसरी बात यहाँ पे है कि सार्वजनिक स्थल पर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति सिगरेट नहीं पी सकता है या फिर दारू नहीं पी सकता है या फिर कोई भी तंबाकू का सेवन नहीं कर सकता है। तीसरी बात यह है कि जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उनसे 100 मीटर के दायरे में अगर आपकी दुकान है, आपकी पान गुमटी है, तो वहाँ पे आप सिगरेट, दारू या फिर गुटखा ये नहीं बेच सकते हैं। ये आदेश डीसी का आज ही आया है क्योंकि आज एक कॉन्फ्रेंस हुआ था और जिसमें हजारीबाग को तंबाकू मुक्त आप बोल सकते हैं घोषित किया गया है। 8 जिलों में हजारीबाग का भी नाम है। आज समाधानालय में मीटिंग हुआ था और मीटिंग के अंदर डीसी ने ये शपथ भी लिया है हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ। और जो टोबैको नो टोबैको डे मनाते हैं और जो लोग नो टोबैको अभियान चला रहे हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने ये शपथ लिया है आज कि हजारीबाग में चाहे कुछ भी हो, पब्लिक प्लेस में आप तंबाकू का सेवन नहीं कर पाएंगे। ये उपायुक्त नैन्सी साहे ने आज एक आदेश दिया है और सारे मीडियाकर्मी या फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें ये बताया गया कि आप लोग इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ ताकि पब्लिक तक ये बात पहुँच जाए और पब्लिक खुद से इससे दूर रहे और बचे, फाइन देने से बचे। तो यही आज का जो ब्रेकिंग न्यूज़ हजारीबाग में यही है। ऐसे तो पूरे इंडिया में बैन है पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीना या फिर गुटखा खाना या खैनी खाना, लेकिन अब से ये अभियान के तौर पे चलेगा। अभियान के तौर पे चलेगा मतलब कोई भी व्यक्ति अगर देखा जाएगा पब्लिक प्लेस में तंबाकू सेवन करते हुए उसको भी दंड दिया जाएगा। और जो लोग बेचेंगे, जो दुकानदार बच्चों को बेचेंगे, 17 साल से कम उम्र के बच्चों को बेचेंगे, उनको पकड़ा जाएगा, उनको 7 साल की सज़ा हो सकती है और 1 लाख रुपया तक का जुर्माना दिया जाएगा। यही आज इस सेमिनार में फैसला लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार, हजारीबाग।